नमस्कार एएस माझी यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है फाइनली हम लोग इस नाला के पास पहुंच गए हैं। ये वही नाला है जो हम लोग दो दो दिन तीन तीन दिन तक आए थे और इसमें पानी भरा था। उस दिन हम लोग आए थे, पानी यहीं पर था, लेकिन हम लोग उस पार नहीं जा पाए थे, क्या है शाम हो गया था। लेकिन आज मतलब मुहर्रम का छुट्टी है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। वैसे आज 4 बजने वाली है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वहाँ बाबली में, मतलब कुआं के पास, जहाँ पे सांप है करके बोल रहे थे, सुने थे गांव वाले बोले थे तो हमको। तो हम लोग फाइनली आज 3 दिन बाद जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किस टाइप का है, हम लोग को भी मालूम नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि आप देख सकते हैं बादल भी गड़गड़ा रही है और पानी भी आज लगभग 3-4 बार मतलब किस्त किस्त में गिर रहा है। गिरने से जो है 1-2 घंटा गिर रहा है, फिर रुक जा रहा है। तो हम लोग छत्ता वत्ता लेके आए हैं, पानी गिर भी सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो खैर हम लोग जा रहे हैं, पहले देख लेंगे सांप है नहीं है, किस स्थिति में है, उसके आधार पे जो है यहाँ पे अपने यहाँ बांस है उसको काटेंगे स्टंगली से। फिलहाल हम लोग यदि यहीं से मेहनत करके बांस को ले जाते हैं और वहां पर जो है देखेंगे इस प्रकार का सुविधा नहीं हो पाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग जा रहे हैं। और बाबू को जो है मोबाइल को पकड़े रहे, यार मैं पकड़ के नहीं जाता, यदि मान लो पानी में कभी हटक खपट के गिर गए तो मोबाइल गिर जाएगा। मेरा वैसे भी वाटरप्रूफ वाला मोबाइल नहीं है, ऐसे सोच के इसको जो है दिखा, यहाँ से मैं पहले यहाँ से जाता हूँ, ये मतलब टॉवल पहन के ऐसे सोचा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक। आज का वीडियो किस प्रकार का होता है, बड़ा मजेदार रहेगा, ऐसे लग रहा है सांप को देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरे को भी एक्साइटेड हो लग रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रहा हूं कि पहले जो है पानी को टेस्ट कर लूं कितना पानी है। ज्यादा पानी नहीं है जैसे लग रहा है, वैसे आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन हम लोग क्या है इधर आते जाते नहीं है ना, इसीलिए मेरे को मालूम नहीं है और कहां गड्ढा है क्या है ये सब मालूम नहीं है, नहीं तो ज्यादा गड्ढा नहीं है। वैसे मैं इसको पहन के नहीं जाऊंगा, टॉवल पहन के जाता हूं ताकि फिल जाए तो भी उसके बाद जो है वो हो सके। तो ये सब है, इसको पहले निकाल लेता हूँ। वैसे आज पानी भी गिर रहा है, तो पानी यदि गिरता है तो हम फिल भी सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं ज़्यादा पानी नहीं है, डर भी नहीं है, वैसे लोग जो है इधर आते नहीं है, कितना पानी है मेरे को भी आइडिया नहीं है, उस लिए जो है जा रहा हूँ। बाबू देखते हैं यहाँ पे आसाम थोड़ा दिख रहा है, जो है ये बाबू के कारण इधर जाना पड़ रहा है, नहीं तो उधर से कूद के चल देने से हम लोग का हो जाता, लेकिन इसके कारण थोड़ा ये देख लेता हूँ, बोल रहा हूँ चलेंगे, जा पाओगे इतना दूर? हाँ, पानी में जाओगे ना? चलो आते से पानी बढ़ जाने से कैसे करेंगे, उधर से जाने होगे सकोगे? इतना पानी में जा पाओगे कि नहीं? हाँ। कि नहीं सकोगे? जा सकोगे कि नहीं? जी सकूंगा। चलो तुम्हारा अस्त्र शस्त्र को पकड़ो और पानी पार करते हैं। चल यार कुछ नहीं होता, नग्गू होने के चलने से भी चलेंगे, इसको पकड़ और कुछ नहीं है तेरा, आप देख सकते हैं हम लोग जो है इस प्रकार से नाला पार कर रहे हैं और फिलहाल अब मेरा टॉवल को पहना हूँ। वैसे एक हाथ में जो है मोबाइल पकड़ा हूँ, दूसरे हाथ में आप देख सकते हैं चप्पल पकड़ा हूँ। उस स्थिति में टॉवल यदि बह जाता है तो मेरे को उठाने का कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ज़्यादा पानी तो नहीं है, ये कितना गया जी तेरे को? ऐसा है, वैसे ज़्यादा पानी नहीं था, उस दिन भी कम था, लेकिन हम लोग को ये फीलेगा ऐसा सोच के जो है हम लोग नहीं आ पाए थे। और इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसा है नज़ारा, आप देख सकते हैं ये नाला है। वैसे ज़्यादा पानी उस दिन भी नहीं था, आज भी नहीं था, लेकिन उस दिन जैसे शाम हो गया था तो हम लोग आते तो फिल जाते। और फिलहाल देखते हैं क्या होता है और यहाँ करते हैं। यहाँ पे उधर पानी है ज़्यादा और ये बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम पानी है, ये
घुटना भर तक भी पानी नहीं है, और वहाँ से थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग फर्स्ट में जो उतरे ना वहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, उसके बाद इधर पानी नहीं है और इधर थोड़ा सा पानी दिख रहा है, वैसे इधर ज़्यादा पानी नहीं है। देखिए आप हैं, ऐसा है नज़ारा हम लोगों का। और हम लोग फिलहाल पार कर चुके हैं नाला को, और पार करने के बाद पानी तो कभी भी बरस सकता है, आज का माहौल कुछ ऐसा ही है, पानी पानी। तो पानी के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे कि गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि आप सुन रहे भी होंगे बादल का आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ कर रही है। तो फिलहाल मैं पैंट नहीं पहनता, इसी टॉवल के साथ जाता हूँ और वहाँ मिलते हैं। नाला के इस पार ऐसा कुछ नज़ारा है, मतलब नाला के आजू बाजू जो है टिकरा, मतलब समतल भूमि रहता है, उसमें पेड़ पौधे लोग रहते हैं, तो ये थोड़ा सा पेड़ पौधे दिख रहा है आपको। उसके बाद जस्ट हम लोग जैसे पार करते हैं तो इधर जो है आपको उजाला दिखेगा, आप देख सकते हैं इधर पूरा खेते खेत है, मतलब नाला के उस पार जो है खेत है और नाला के इस पार खेत है, ये मछली पकड़ने का जगह। और ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद फूल, इसको हमारे छत्तीसगढ़ में एक त्यौहार आने वाला है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें इस फूल का उपयोग करते हैं। हम लोग चलते हैं फिलहाल हमारे कुआं के पास, वो आप देख सकते हैं इधर उधर जाएंगे हम लोग कुआं के पास, उसके बाद मिलते हैं। फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं, पानी तो हमारा फिलहाल इतना देर टाइम तक साथ दे रहा है, दो घंटा तक कहने, मतलब एक घंटा समझिए, क्योंकि घर से हम लोग आए हैं एक डेढ़ घंटा हो रही है, उसके पहले तो बहुत पानी गिर रहा था, तो अभी भी चांस है। हम लोग जैसे नाला में उतर रहे थे तो उस समय गुड़गुड़ 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 करके आवाज़ कर रहा था बादल का, और अभी शांत है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, वैसे मैं एक छाता और रेनकोट तो पकड़े हैं, लेकिन क्या होता है खेत आने से नाला वाला में उतरेंगे तो रेनकोट काम नहीं आएगा, उसी स्थिति में छाता ही काम आएगा, क्योंकि हम लोग को अपना दूसरा सामान को भी बचा के रखना है, तो हम लोग छाता भी लेके आए हैं। तो चलते हैं वहाँ कुआं के पास। ऐसा कुछ है नज़ारा, वैसे पानी चालू हो गया है, मैं आज बाल कटवा लिया हूँ, बाल थोड़ा सा लंबा लंबा रहने से जो है ना पानी भीजने के बाद थोड़ा मतलब सर्दी होने का ज़्यादा चांस रहता है, ऐसे टाइप का मेरे को लगता है, लेकिन मेरा छोटा छोटा बाल है, पानी गिर रहा है, उसके बाद यदि घर जाता हूँ तो सूखे तौलिए से जो है कसकस के रगड़ के पोंछ लूँगा और मस्त हो जाऊँगा, ऐसा है फिलहाल। लेकिन बाल रहने से थोड़ा सा समस्या लगता है, आज मुंडन टाइप का मतलब छोटा छोटा बाल है तो इतना दिक्कत नहीं है। और बादल जो है कड़कड़ा रही है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, पानी जो है थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, आप इधर थोड़ा दिखाइए, आपको दिख रहा होगा जो धान में जो हलचल हो रही है पानी का, तो उससे पता चल रहा होगा शायद कि पानी गिर रही है करके। खैर तो चलते हैं जल्दी से, कुआं हमारा सामने है, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, मेरे को पता भी नहीं है, यदि सांप नहीं मिलता है तो आप बोलोगे कि झूठ बोल रहे थे करके, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पारा वाले बोले थे सांप है करके, तो हम लोग जो है 3-4 दिन कोशिश किए लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था तो नहीं आए। फिलहाल जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलो, ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा, इसको बोला कि ये पेड़ के नीचे तू रहे यार, ये अपना सामान को रख के बोला हूँ, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, आप देख सकते हैं वो जो है कुआं है, दो बिजली खंभा को बीच में दे दिए हैं, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ वो सांप है या नहीं है करके। आप देख सकते हैं ये जो है हमारे यहाँ, मतलब कब बनाए मेरे को मालूम नहीं है, सन जो है ये जीवनधारा कुआं है, और यहाँ आने के बाद मेरा साउंड भी इको साउंड टाइप का आवाज़ आ रहा है। ये पानी बहुत गड्ढा रहता है कुआं, लेकिन अभी जो है इसका पानी जल स्रोत ऊपर आ गया है, तो मेरे को सांप दिख गया है, ये कौन सा सांप है मैं पहचानने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा लाइन टाइप का दिख रहा है, मैं जूम करके आपको बाद में दिखाऊंगा, इस ये सांप जो है ये लकड़ी के सहारे से ऊपर में है और अभी भी जिंदा है, और दूसरे तरफ जो है ये एक मेंढक है, वो भी खैर मेंढक का तो टेंशन लेने का नहीं है। फिलहाल पानी गिर रही है और मैं सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको निकाला जाए, तो ये सब बड़ा समस्या हो गया है। मेरे पास एक टंगली है,
और इसको निकालने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसा किया जाए। पानी भी गिर रही है और आप मेरे को देख सकते हैं, हम लोग जब नाला पार किए तो मैं अपना जो नेकर कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, जो नीचे का पहनते हैं उसको जो है मैं नहीं पहना हूँ, वहाँ पे कीचड़ में क्या पहनूं करके, और टॉवेल को बस पहना हूँ, उसके अंदर में कुछ नहीं है। तो ऐसा स्थिति है, पानी भी गिर रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं इसको किस प्रकार से निकाला जाए, और फिलहाल हम लोग देखते हैं। हाँ? क्या नीचे उधर डूबी से खाने हाँ डूबी से आप देख सकते हैं, हम लोग जो है नार को तो लगा लिए हैं, लेकिन नार को अटकाने के लिए मतलब वहां पे ऊपर में किस प्रकार से बांधा जाए इसका समस्या हो गया। तो मैं ये बाबू का जो है टॉवेल में दिया था छोटा सा, तो इसको फाड़ के जो है हम लोग ले रहे हैं, ये मजबूरी है अपना वहां पे बांधने का, उसके बाद कोशिश करूंगा। तो चलो भाई
उसमें नहीं हुआ यार, थोड़ा सा कम पड़ गया, और थोड़ा फाड़ता हूँ है जी। बिना सुविधा के साथ आने से ऐसा ही होता है। ये सड़ा वाला है वैसे, इसमें काम नहीं आएगा। अब क्या करें, अब जो है इसी का ही ये, मतलब अब वहाँ पे हम लोग इसका नार को लगा दिए हैं और उसमें मतलब सांप चढ़ेगा ऐसा सोच रहे हैं। क्या है, मेरे को याद है मैं उस समय हमारे यहाँ घर में भी एक प्रकार का नांग सांप घुस गया था अंदर में, तो उस समय बांस का जो पेड़ है उसको ऐसे करके झुका दिए थे, दो पेड़ को बांस का। फिर दूसरा दिन आए तो वो नहीं था, वो चढ़ गया था अपना ऐसे ऐसे राउंडिंग मार मार के। तो हमारे पास जो है ये सुविधा फिलहाल नहीं है, हम लोग टंगली लेके तो आए हैं और नाला के उस पार से अपना वाला जो बांस को यदि लेके आएंगे तो वैसे पानी भी गिर रही है तो मज़ा नहीं आएगा और लाने में तकलीफ भी है। क्या है, किसानों का धान भी है आसपास, तो इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि ये जो लोहा का डर्रा बोलते हैं हम लोग जो नार है उसको ऐसे झुका दिए हैं, झुकाने के बाद कल देखने के लिए आएंगे उसमें ऐसे चढ़ जाएगा। वैसे उसको बांस का एक बांस है बीच में, उसके ऊपर में सांप जो है रह रहा है तो 3 दिन से भूखा है। अब वो मेरे को लगता है वो अपना ये जो नार के माध्यम से वो चढ़ जाएगा ऐसा सोच के हम लोग ये दिमाग लगा रहे हैं। तो ऊपर में बांधने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रहा है। क्या है, सांप का वजन जब धीरे धीरे आएगा और उसके बाद ये नार भी जब सूख जाएगा तो उस स्थिति में गिर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सपोर्टर के रूप में इसको बांध दूंगा ऐसा सोच के जो है मैं इसका जो टावेल है फटा वाला था ऐसे हम लोग लाए थे तो उसको बांधा, लेकिन छोटा हो रहा है, टूट भी जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि और थोड़ा मजबूती के लिए इस नार को जो है मैं खींच रहा हूँ, खींचने के बाद उसमें बांधूंगा तो शायद पकड़ मजबूत हो सके। तो पहले खींच लेता हूँ, यदि उधर खींचते हुए जाऊंगा तो मैं कुआं के अंदर गिर सकता हूँ ना, है कि नहीं, इसलिए इधर खींच लेता हूँ। अरे हल्का था, खैर हम लोग जल्दी से खींचते हैं मतलब बांध लेते हैं उसके बाद जाएंगे। ऐसे ये जीवनधारा कुआं है और बहुत गड्ढा है, गर्मी के दिन में पानी जो है बहुत नीचे चला जाता है, फिलहाल जो है पानी ऊपर है तो हम लोग को सुविधा हो गया। आप देख सकते हैं ये जो है नार, इस नार को मैं इसमें बांध लिया हूँ, वो जो देख रहे हैं बिजली का खंभा वहाँ पे बांध के जो है इस प्रकार से लटका दिया हूँ नीचे, तो सांप जो है वहाँ से लपेटते हुए अपने आप को ये ऊपर चढ़ जाएगा। यदि ऊपर नहीं चढ़ भी पाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो पानी मशीन पानी चलाने के लिए जिस पाइप को नीचे गिराते थे वहाँ से भी जो है इस प्रकार से एक डंगाली कहना चाहिए जो झाड़ी वहाँ से वो निकला है और निकल के जो है इस प्रकार से ऐसे झुका हुआ है। तो ये पानी कुछ ही दूर है यहाँ से, यदि यहाँ तक वो आ जाता है तो आने के बाद इस झाड़ी से वो सपोर्ट लेके वो जो छेद दिख रहा है उस छेद के माध्यम से वो बाहर चला जाएगा। तो ऐसा हमने दिमाग लगाए हैं, फिलहाल हम तो यहाँ दिमाग लगाए हैं लेकिन ये दिमाग जो है सक्सेस होगा नहीं होगा नहीं बोल सकते। वैसे सांप जो है आपको दिखा रहे हैं ये जो डंडा, ये डंडे में अपने को लपेट के रखा हुआ है, चमक रहा है तो वो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, वो डंडे में अपने को लपेट के वहाँ पे रखा है और कल ही पता चलेगा कि ये जो है ऊपर आ सक रहा है या नहीं आ रहा है। पानी तो कस के आ रहा है क्या जी? आप देख सकते हैं ये नज़ारा, ये उसी नाले का है, लेकिन हम लोग उधर क्यों गए थे क्योंकि हमारा जो बांस का पेड़ है वहाँ और हम लोग सोच रहे थे कि बांस का को लेके जो है वहाँ पे जाएंगे और बावली में देंगे। उसके बाद सोचे पहले दूसरे का बात को सुन के क्या विश्वास करोगे, पहले सांप को देख लेते हैं, सांप को देखने के बाद जो बांस है उसको काट के लाएंगे, ऐसे सोच के हम लोग उधर से गए थे, वो अपना खेत है। फिर हम लोग को बांस का तो काम नहीं हुआ, हम लोग नार से ही उसको लटका लिए और उसके बाद वो चढ़ेगा ऐसा मतलब सुविधा करके आ गए हैं और इधर शॉर्टकट में उसी नाला को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही नाला है लेकिन हम लोग उस तरफ से नहीं जाके इधर जा रहे हैं और हम लोग फिलहाल वही टावेल को ही पहने हैं, हम लोग इसको नहीं पहन रहे हैं, घर जाके ही बदल देंगे। ये बाबू भी वही वेशभूषा में है तो चलिए पार करते हैं। वैसे ये नाला में ज़्यादा पानी नहीं है, उधर भी पानी नहीं था, इसका मतलब इधर भी पानी नहीं है, तो चलो आगे आगे चलो।
आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है, पानी भी ज़्यादा नहीं है। और हम लोग फिलहाल ये जो टॉवल है ये फिल जाने से भी चलेगा, क्योंकि इसको जाके धोना ही पड़ेगा। देख के चलो, ऊपर तरफ देखते रहने से नीचे देखने के लिए नहीं होता। एक बीच बीच में गड्ढा है, तो उस गड्ढे में जो है पैर भड़ंग भड़ंग चल दे रहा है, तो ऐसा है यदि हम लोग गिर जाएंगे तो अपना मोबाइल भी गिर सकता है कि नहीं। जोर से बोलो, है कि नहीं। तो ऐसा है ये, तो फिलहाल हमको लगता है कि सांप बच जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग किए थे, बहुत दिन पहले है, बांस को किए थे, उस समय दूसरा दिन हम लोग गए तो सांप नहीं था, चढ़ गया था। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है ये सांप भी जो है उसमें चढ़ जाएगा। तो मिलते हैं कल किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।